ऐसे हाँ भाई 28 लाख रुपए की गाड़ी लगती है आपको है ना? है। और सबसे अच्छा क्या लगा है? आपने ये टेस्ट किया है क्या कभी एडास? हाँ किया ना। कहाँ पे गया था? हाईवे पे। हाईवे पे। संकेत जी ने 28 लाख रुपए स्पेंड किए गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं मैटर करती है प्राइस, और प्राइस के हिसाब से वैल्यू। हाँ भाई 24 लाख रुपए डोलते थे टॉप एंड को, और 28 लाख रुपए अभी ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं आता रहा था कुछ पहले सर्विस में। और वो टोटल कितने मिनट में दे दी थी उन्होंने पूरी करके सर्विस? अपडेट के लिए थोड़ा देर होता है, थोड़ी देर होती है अपडेट के लिए। बाकी सर्विस ये एंड्रॉइड की अपडेट की थी, ये पूरी टच स्क्रीन 10.5 इंच की, बाकी वॉशिंग वगैरह वगैरह किया था, रबर पॉलिशिंग वगैरह सबकी सब चीजें की थी। अब अगर फीचर की बात आती है तो बहुत सारी गाड़ियां है वो कंपनी की जो है मार्केट में है, आप डोल के चलते हो एक 22-24 लाख की प्राइस, तो बहुत सारी कम जो है वो गाड़ियां देती है। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल देख रहा हो, जो XUV700 AX7 लग्जरी पैक के पहले वाला वेरिएंट देख रहे हो, टॉप एंड वेरिएंट 2.2 लीटर एमहॉग जो है वो डीजल इंजन, अभी जो ओनर है उसको अर्न करते हैं, उनकी जो है वो ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस लेने से पहले गाड़ी के वॉक अराउंड देखा होता है, और मैं क्योंकि जो उन्होंने गाड़ी जो ली है अपने पैसे जो है वो डाल के, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर करते हैं, उनके जो है वो प्राइस सेगमेंट में वो गाड़ी अच्छी है या नहीं है वो उनसे भी जान लेंगे। लेकिन आज के रेट में XUV700 Scorpio N तक आ रखी है, लेकिन ये लेने की एक डी सेगमेंट SUV क्यों ली उन्होंने फिलहाल? तो यहाँ पे अंदर आप देखते हो तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको 360 आपको मॉनिटरिंग लेवल 4 आपको मिल जाते हैं, एडास लेवल 4, ये 360 मॉनिटरिंग के साथ आपको 360 कैमरा वगैरह मिल जाता है। थार की ये यूनिट वही डाल रखा है या फिर कुछ कुछ इस तरह से चीज़ें दे रखी है। लेकिन आज लग्जरी पैक जो उठाते हैं बंदे जो आज के रेट में, उनसे जान लेते हैं कि भाई ये आज के रेट में अगर देखते हो तो फीचर के मामले में काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। मतलब XUV700 की बात करते हो, इससे अलावा कोई गाड़ी आती ही नहीं मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा फीचर दे डी सेगमेंट SUV में अगर बात हो। लेकिन सबसे पहले ओनर से ही जान लेते हैं कि उनकी जो गाड़ी है ये चॉइस रही है 2023 में। अभी फिलहाल तो जीप की मेरिडियन भी आती है उस प्राइस में, इतने भाव में ये जो है वो टच कर रही है 32-33 लाख के प्राइस सेगमेंट में। लेकिन आज ये जो है वो कहीं ना कहीं जब लॉन्च हुई तो 24 लाख रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज के रेट में जो है वो ओनर XUV700 लेके खुश है कि नहीं वो सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले भाई स्वागत है अपने चैनल में, नाम बताओ, इंट्रोडक्शन हो जाए। संकेत कुंडलेकर। संकेत जी कब ली थी XUV700? 2 महीना हुआ। कहाँ से ली थी? किस महिंद्रा शोरूम से? कनकवली मिली थी। टोटल महिंद्रा के शोरूम से अगर बात करते हो जब ली थी गाड़ी, ऑन द रोड कितने देने पड़े? अभी ये टॉप एंड है फिलहाल XUV700, कितने में ली थी? 28.5 समथिंग गई थी, 28.5 लाख रुपए गई थी, 28 लाख समथिंग। और जब ली थी बुक की थी तब कितने देने पड़े थे? बुकिंग अमाउंट जानते हो? बुकिंग अमाउंट 20,000 समथिंग दी थी। और मान लो अभी ये गाड़ी X7 अभी 2023 में, मतलब बोल रहे हो 2 महीने भी नहीं हो चुकी है गाड़ी में, स्टिल क्या एक्सपीरियंस है अभी तक गाड़ी में? कोई इशू आया, कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू आया, झंझट? अभी बैठो तो, अब गाड़ी चलाते हो वैसे? अभी बैठो तो सही भाई, कैसे नज़र आते हो अपने गाड़ी में? ये मुझे चीज़ है, मुझे कोई डिसपॉइंटिंग लगी है, ये कहीं चीप नहीं लगती आपको? नहीं। ये थोड़ी सी बहुत, मतलब ये ऑटोमेटिक तो खुल जाती है, थोड़े से इसके बीच वाले वेरिएंट में आते तो ये मैनुअल हाथ से खोलने पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरा जैसा बंदा हो, अगर सपोज मेरे को तो मालूम है लेकिन आपको अगर मालूम नहीं, अगर ये टूट वूट जाने के चांसेस नहीं लगते आपको? अगर बैठ तो जाओ भाई, फिलहाल जब बैठते हो तब सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? फील आता है कि 28 लाख रुपये की गाड़ी है दे दिए, 28 लाख रुपए आपको वर्थ इट लगते ये पैसे? हाँ भाई 28 लाख रुपए की गाड़ी लगती है आपको है ना? है। और सबसे अच्छा क्या लगा है? आपने ये टेस्ट किया है क्या कभी एडास? हाँ किया ना। कहाँ पे गया था? हाईवे पे। हाईवे पे। लेकिन ये सिर्फ बता दूँ इस वाले रोड पे नहीं होता, सिर्फ लेन चाहिए उसको। सक्सेसफुल लगा है आपको? कभी गाड़ी इधर उधर गई हो या फिर कुछ हो गया हो इधर उधर? और SRS एयरबैग्स की बात करते हो तो ये वाला वेरिएंट जो है 7 एयरबैग्स के साथ, 6 एयरबैग्स के साथ फिलहाल तो आता है, और ये टॉप एंड के पहले वाला है मेरे ख्याल से, मतलब ऑल व्हील ड्राइव वाला है, बराबर ऑल व्हील ड्राइव में, ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता उसमें। डीजल में कितना माइलेज निकाला है फिलहाल आपने? तो माइलेज अभी तक तो नहीं निकला है, मतलब चेक नहीं किया आपने? चेक नहीं किया। तो फिर भी 15 तक दे देती है मैक्स टू मैक्स? हाँ देती है। और फिलहाल बात आती है जब मुद्दे पे आते हो इस वाले बेजिंग की, यहाँ पे एड्रेनॉक्स की बेजिंग है, और स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी भाई? स्पीकर की क्वालिटी पहले बता। क्वालिटी भी अच्छी है और मतलब सब डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है। अब ये ऑटो पार्किंग ब्रेकर सिस्टम, मतलब ऑटो पार्किंग पे लगाते हो तो काफी अच्छी तरह से एंगेज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली फुल्ली है गाड़ी, आप फुल सेटिस्फाइड हो, कोई भी कहीं भी आपको डाउट नहीं है मतलब। और आपके अगर चल रहे हो रास्ते में, आप वो ऐसा लगाओ कि कुछ ब्रेक वेक थोड़ा बहुत लूज हो रहा है या फिर कोई ये चीप क्वालिटी की रखे या फिर कोई आवाज वगैरह, कभी तक अभी तक इशू नहीं आया। और महिंद्रा की सर्विस की अब जब बात आती है, सर्विस बहुत अच्छी थी एक में। और ये जब ये प्रैक्टिकल लगा आपको, यहाँ पे SOS का कॉल कभी दगाया है आपने? ये खोलना पड़ता है बेसिकली ये, और ये प्रेस करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी का, लेकिन ये दे रखा है, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं? वो मैंने देखा था महिंद्रा का, तो एक बार देखा था तो उन्होंने चेक किया था, लेकिन हुआ नहीं है
प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अभी आपके एप्पल है आपका एंड्रॉयड है कि एप्पल है? एप्पल में ये कनेक्ट होता है? होता है अभी तो होता है, लेकिन 2022 वाले महिंद्रा XUV700 उसके उन नहीं होता था, अभी अपडेट आया था शायद। अपडेट आपने कराया कि कंपनी ने हुआ था का किया था? कंपनी ने कराया था। और ये बात करते हो इस वाले फीचर्स की, यहाँ पे ऑटो होल्ड वगैरह करते हो या फिर ये ऑटो हिल होल्ड असिस्ट करते हो, अगर आप इंक्लाइन पोजिशन पे गाड़ी डाल दी और ये बटन दबा दिया, ये प्रैक्टिकल लगा ऑटो हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लेती है गाड़ी? और ये आपने कभी किया है क्या ट्राई, आपने ऐसे बीच में अगर कोई इंसान या फिर कोई टेबल वगैरह रखा हो और आप 20 किलोमीटर से आ रहे हो और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग या एडास एक्टिवेट करते हो, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लिए कभी गाड़ी? नहीं, वो नहीं किया कभी, कभी नहीं किया। लेकिन बहुत सारे मैंने अगर सुने हैं कि भाई XUV700 के बारे में मैंने बहुत ऐसे सुने हैं किससे कि ब्रेकिंग वगैरह ये ऑटोमेटिक कभी कभी नहीं करती, लेकिन अभी बात करते हो इस मुद्दे पे आते हैं प्राइस पॉइंट पे, कहीं ना कहीं 28 लाख रुपये आजकल देने पड़ते हैं ऐसी टॉप एंड व्हीकल को, तो कहीं ना कहीं संकेत जी ने 28 लाख रुपये स्पेंड किए गाड़ी को, तो कहीं ना कहीं मैटर करती है प्राइस, और प्राइस के हिसाब से वैल्यू और सबसे मैटर करती है। जब कहा भाई 24 लाख रुपये डोलते थे टॉप एंड को और 28 लाख रुपये, अभी ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं आता इसमें, तो कितनी भाई टैक्स बढ़ चुके देख लो। और बात भाई करते हो अगर बीच वाले रो में, तो सबसे चलाता कौन है आप चलाते हो क्या? आप चलाते हो ज़्यादातर, और आप बीच में कभी बैठे हो बीच में, बीच वाले रो में सबसे भाई प्रैक्टिकल क्या लगा है बीच वाले रो में? यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट आया है कभी? अभी ये ब्रेजा वेजा जैसी गाड़ियों की बात करते हो अगर पीछे वाली, तो इससे और अगर मारुति सुजुकी या फिर ह्यूंडई की गाड़ी से आपको थोड़ा बहुत अप मार्केट लगता है फीलिंग, थोड़ी अपग्रेड हुआ और फ़र्क है, गड्ढे महसूस होते हैं जब गड्ढों में जाती है तब? बिल्कुल भी नहीं, शांत एकदम रिफाइंड इंजन और जो है सस्पेंशन दे रखा है। और बढ़िया बात आती है सबसे यहाँ पे, एक चीज़ मुझे दिक्कत वाली लगी यहाँ पे टॉप एंड 28 लाख रुपये में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं दिया, वो देने चाहिए थे। यहाँ पे मेमोरी फंक्शन तो फिलहाल आती है, 3 के हिसाब से आपने सेट कर लिया पे बराबर। और बात रही अगर महिंद्रा की सर्विस की बोलते हो, आपने बोला था 1.5 लाख रुपये समथिंग अराउंड 50,000 रुपये आपने बुकिंग पे दी थी अमाउंट, और कितने दिन तक वेटिंग पे रखा था आपको? वेटिंग पे 15 मिनट, तो अराउंड आपको जो है वो 28 लाख की आप बोल रहे हो, 28 लाख की पड़ी थी संकेत जी, लेकिन बुकिंग 50,000 में आपको कितने दिन वेटिंग करवाया था? कम से कम 15-20 दिन वेटिंग किया था, इतने दिन वेटिंग पे रखा था और 15 दिन पे मिल रही थी, जाके ऑन द स्पॉट आपको दे दिया था और पेपर वर्क वगैरह एक दिन में कंप्लीट करके दिए थे। और सर्विस कॉस्ट की रही तो अभी तक कितने सर्विस हो चुके हैं इस गाड़ी के? अभी एक ही सर्विस हुई है। अभी टोटल रनिंग किलोमीटर कितना हुआ है भाई, अभी देखा नहीं कभी? अभी गाड़ी नहीं ली भाई अपने और जो है वो रनिंग नहीं देखा आपने, फिलहाल तो चल चुकी है, अभी टाइम दिखा रहा है 0.0, रेंज है 309 किलोमीटर की। अगर बात करते हो यहाँ पे तो ये जो है वो 7,784 किलोमीटर मारी आपने, 7,000 में मतलब एक सर्विस कितने में, 5,000 में होती है कितने में होती है? तो 7,000 में पहली तो सर्विस हुई होगी आपकी बराबर, एक सर्विस में कितने देने पड़े थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पहली सर्विस पूरी, मतलब अभी पहला अभी रहा है आपका सर्विस एक्सपीरियंस महिंद्रा से XUV से? अभी 28 लाख रुपए भाई इस गाड़ी को देते हो, अभी सर्विस में आप सेटिस्फाइड हो इसके? मतलब एक सर्विस आपको उन्होंने कई की थी गाड़ी की फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपकी जो क्वेरीज थे पूरे सॉल्व करती है रिजॉल्व करती है, क्या आपका प्रॉब्लम रहा था कुछ पहले सर्विस में? और वो टोटल कितने मिनट में दे दी थी उन्होंने पूरी करके सर्विस? वो अपडेट के लिए थोड़ी देर होती है अपडेट के लिए, अपडेट के लिए बाकी ये एंड्रॉयड की अपडेट की थी, ये पूरी टच स्क्रीन 10.5 इंचेस की, बाकी वॉशिंग वगैरह वगैरह किया था बराबर, पॉलिशिंग वगैरह सब की सब चीज़ें की थी। अभी सेकेंड सर्विस कितने में, कितने किलोमीटर में? सेकेंड सर्विस 10,000 में सेकंड सर्विस है, अभी दो सर्विस तीन सर्विस फ्री है उसके बाद है। और आपने पेड पार्टनरशिप ली थी अभी एक्सटेंड किया था वारंटी या फिर 2 लाख रुपए डाल के और सर्विस आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हो या फिर कोई पैकेज लिया था उनसे? नहीं, नहीं। कोई नहीं लेता, सिर्फ तीन सर्विस फ्री है। और उसके बाद आपको लगता है कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अभी ऐसे नहीं आएंगे, इसके बहुत इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट बहुत है इस गाड़ी की, तो आपको लगता है कि अभी इसी वाली प्राइस सेगमेंट में अगर स्कॉर्पियो एन भी आ रखी लेकिन उसमें एडास वगैरह नहीं आता, तो कहीं ना कहीं एडास वगैरह प्रैक्टिकल है आपको लगता है? है, तो आपकी वैल्यू के हिसाब से गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, कोई भी डाउट अभी तक नहीं आया आपको? तो अब आप बैठते हो या फिर सीट में वगैरह तो आपको कंफर्ट वगैरह कुछ नहीं का लगा है सबसे ये जो है वो? और ये पूरे के पूरे आप एप्पल यूज़ करते हो, तो एप्पल के स्क्रीन में ये कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है? फ्यू सेकंड में हो जाती है, कोई भी अभी तक लैग नहीं आया आपको? और बात करते हो परफॉर्मेंस वाइज अभी तक कितनी भाई भगा दी है, ये तो जो है वो लीगल नहीं है लेकिन अभी 120 किलोमीटर तक अपनी मैंडेटरी है, लेकिन कितने तक खींचा KMP तो खींचता ही है भाई, कोई 140 वो अभी तक 140 में वाइब्रेशंस वगैरह या फिर कोई कोई महसूस नहीं हुई है कभी? नहीं हुई
भाई गाड़ी तो परफॉर्मेंस हो ना कि गाड़ी का परफॉर्मेंस ऐसे हो यार। XUV 7 Double एक अपनी सेगमेंट में ऐसी गाड़ी है कि इसका कोई टक्कर ही नहीं, कोई जो है वो तोड़ ही नहीं है। फिलहाल संकेत जी और संकेत जी के भाई, आपका नाम भाई वैसे भी नहीं पता है, अवधूत जी XUV 7 Double लेके इतने खुश है कि सिर्फ जो है वो 5 दिन के वेटिंग पीरियड के अंदर उनको ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की XUV 7 Double मिल गई। वो बहुत खुश है अपनी जो है वो गाड़ी से लेके। वीडियो देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल जो जो अर्न करते हैं संकेत जी जो है वो इनकी जो फिलहाल जो गाड़ी है वो अर्न करते हैं XUV 7 Double। ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव यहाँ पे आप देख रहे हो, कभी भी यहाँ पे नजर नहीं आता। जो अर्न XUV 7 Double डीजल में मैनुअल लेते हैं, अभी मैनुअल आपने भाई लिए है, ऑटोमेटिक में चेक नहीं की थी कभी जो है वो, कभी देखी नहीं थी ऑटोमेटिक? लेकिन आपको पसंद जो इंथुसियास्ट नहीं हो बंदे मैनुअल वाले, वो शायद मैनुअल में फील आती है, मज़ा आता है। CVT में जो मज़ा है लेकिन वो आप चिपके रहते हो उस फंक्शन के साथ, लेकिन मैनुअल में कैसे भी उठा सकते हो गाड़ी। लेकिन आप रहते हो इधर ज़्यादातर के शहरी इलाके में, ज़्यादा मेरे को पता नहीं, लेकिन ये गाँव खेड़ों में मैनुअल तो ठीक है, लेकिन आप जैसे मुंबई पुणे में अगर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको आएगा बाद में समझ में कि मैनुअल मैंने लेके गलती करी, लेकिन आप जाते ही नहीं हो कहीं ज़्यादा, मेरे को लगता है 7,000 किलोमीटर मतलब ज़्यादा नहीं होते। हाँ वहाँ पे जाके बोर होंगे तब पता चलेगा ऑटोमेटिक का मज़ा। तो XUV 7 Double लो भाई संकेत जी लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।